Partners, don't think so. Okay. आप गुरु, मैं चेला, खुश। सोच लो बॉस, हमारे फील्ड में अच्छे अच्छे लोग हमेशा किसी के साथ काम करके ही आगे बढ़े हैं। हाँ, जैसे बॉनी एंड क्लाइड, बुश कैसिडी एंड सनडांस किड, देसी बोल, बिल्ला रंगा दोनों खूनी थे, जयर गुरु फिल्मी थे, ओके, रमन राघव एक ही आदमी था, इसलिए तो पकड़ा गया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी चेले की बात भी सुन लेनी चाहिए गुरु। टेढ़े क्यों बैठे हो, सीधे बैठो। सावन है ना, इसे हमेशा जगह देनी चाहिए वरना झोल हो जाएगा। ये चल गई ना, झोल नहीं फोल हो जाएगा। ध्यान से सुनो, लेसन नंबर वन, हमारे धंधे में ना बंदूक चलती है, ना बॉम्ब, ना चाकू। चलता है तो सिर्फ एक ही चीज, पैसा, दिमाग, राइट। और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, लोडेड, क्योंकि गोली से वही लोग चलाते थे जो दिमाग नहीं चलता। गुरु और सिखाओ ना प्लीज, गुरु सिखाओ ना प्लीज। कैसे लूटना है ट्रिक उसमें नहीं है, किसे लूटना है वो ट्रिक है। मतलब तुमने सुना होगा ईमानदार आदमी को लूटना बहुत मुश्किल काम। हाँ, वो भारी पड़ सकता है, यू आर राइट। लेसन नंबर टू, बकवास है। एग्जैक्टली क्या? दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे लूटा नहीं जा सके। यू मीन अमीर आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, नाटा आदमी, लंबा आदमी, मोट, कांटे पे चारा ठीक होना चाहिए, मछली खुद ब खुद आ जाएगी। अपने आसपास देखो टिट्टू, दुनिया एक समंदर है और इंसान इसमें मछली। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ज़्यादातर मछली सूखी हुई है, जितना भी चबाना चबा लो निकलने वाला कुछ नहीं है, इसीलिए इन बेचारों को अकेले छोड़ देना चाहिए। पहला नंबर है मानली। मानली वो छोटी वाली, तारों के साथ मस्त लगती है, लेकिन 15-20 एक साथ मिलनी चाहिए तभी पेट भरता है। मान ली, जब तक 15-20 नहीं खाओ जेब नहीं भरती। और वो आदमी, वो कौन सा टाइप की मछली है? गोल्डफिश, सिर्फ शो ऑफ है, स्ट्रगलर, बेंसिन के पैकेट में रेड एंड व्हाइट। तो अपने मतलब की मछली कौन सी है गुरु? मुंबई में सबसे पॉपुलर है बांगड़ा। सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिस जाने वाले लोग, 9 to 6 टाइप्स, इनके चक्कर में रहोगे तो रोज मेहनत करनी पड़ेगी। ये रोज रोज अपने बस की बात नहीं है, अपने को ऐसा चाहिए एक हाथ मारा मैंने बच छुटकारा। फिर पॉम्फ्रेट, टीवी स्टार्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, छोटी मोटी कंपनी के मालिक, इन्हें लूटोगे महीने भर आराम। और अगर एक साल का आराम चाहिए तो फुल वन ईयर। वेल, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, स्टॉक ब्रोकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, जैसे वेल समुद्र में राज करता है, ये लोग दुनिया पे राज करते हैं। तो सीधा बिल पे अटैक करते हैं ना? औकात मेरा, व्हील सड़क पे नहीं घूमती है, टैक्सी में नहीं बैठती और बस में तो दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे भूल जाओ। तो फिर भंगड़ पापलेट से काम चलाते, संभाल पाओगे? अगर इतना नहीं कर पाया तो बम्बई में एक ही काम हो रहा, खाओ वड़ा पाव भजिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। गुरु हमें बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? आज का मेन्यू, मल्होत्रा फ्राई। मिसेस मल्होत्रा, गुड मॉर्निंग मैम, हम लोग स्टैंडर्ड बैंक से हैं, क्रेडिट कार्ड डिवीजन, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। ये मेरे लिए? जी हाँ। किस खुशी में? हमारी स्कीम के मुताबिक, आप जरा ये दरवाजा खोलेंगी, आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। आपको तो मैंने मिस्टर नटवरलाल समझा था, पर आप तो बाबा हमते निकले। लेनी है तो देना तो पड़ेगा। चलो। ये रिंग तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, महंगी होगी। पूरे 7,500 स्कीम के मुताबिक, ना रुपया ज्यादा ना कम। पर मिस्टर मल्होत्रा का, मिस्टर मल्होत्रा आइए ना, आइए। मिस्टर मल्होत्रा प्लीज कम सर। हमने कोई रिंग ऑर्डर नहीं की है। जानता हूँ, लेकिन ये हमारे बैंक की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, स्कीम के मुताबिक। पर ये स्कीम है क्या? आप 100 रुपए खर्च कीजिए, हम आपको 5 रुपए का गिफ्ट दे देंगे।
ये रिंग 7,500 का है, तो इसका मतलब है कि आपने 1.5 लाख की शॉपिंग की होगी। 1.5 लाख की शॉपिंग हमने की अपने कार्ड से? Impossible. क्या ये आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है? राइट, तो फिर ये रिंग आपकी। पर इतना खर्चा हुआ कहाँ? अभी बताता हूँ। 12 जुलाई लीला होटल डिनर 1,440, 15 जुलाई जेट एयरवेज बॉम्बे बैंगलोर 12,500, और 28 जुलाई फिर से बॉम्बे बैंगलोर का। हाँ, कंपनी के काम के सिलसिले में मुझे अक्सर बैंगलोर आना जाना पड़ता है, लेकिन खर्चा 25,000 से ज्यादा नहीं हुआ होगा। दिखाओ मुझे। सर अभी बाकी बहुत कुछ है। बैंगलोर में 3,200 का कार्पेट कश्मीर बाजार से, 33,440 का डाइनिंग सेट, डबल बेड और इजी चेयर इंडोर फर्निशिंग से, गद्दे और तकिए स्लीप वेल के 7,400। इसका मतलब आप कहकर बैंगलोर में भी है? नाइस वेदर। बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? खामोखा नाराज हो रही है। खर्चा तो घर के ऊपर ही हो रहा है ना, खुद पे थोड़ी तो कर रहे हैं। देखिए, जस्ट मॉम से 3,000 की मटर्निटी ड्रेस। मटर्निटी ड्रेस? और मैं? आपने इनके लिए ली होगी, इनके लिए? हाँ, बॉनी बेबी की प्रैम 13,200। प्रैम भी? नहीं। वैसे मैडम मानना पड़ेगा, आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। वैसे वो बेबी है या बाबा? बाबा है या बेबी, बैंगलोर फोन करके पूछ लीजिए। सुनीता भाई, सुनीता भाई, सामान पैक करो। डार्लिंग स्वीट हार्ट, देखो बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम कहीं मत जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। What? Yes, Bangalore, उसी के पास जिसके लिए तुमने 1.5 लाख की शॉपिंग की और मेरे लिए सिर्फ 5% की अंगूठी। बाबा वो सब मैंने नहीं खरीदा है, जरूर इनसे कोई गलती हुई है। आपका बैंगलोर में दूसरा घर नहीं है? नहीं। आपके बेबी बाबा नहीं? नहीं बाबा नहीं। आप अपने बच्चे की कसम खा के कहिए कि आप सच बोल रहे हैं। जब बच्चा है नहीं, मैं कसम किसकी खाऊं? चेक क्वेश्चन, सच बोल रहे हैं। यानी किसी और ने किया है? बच्चा नहीं, फ्रॉड। हाँ। मतलब 1.5 लाख का चूना लग गया? नहीं, बाल बाल बच गया। हाँ। आपके क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख का इंश्योरेंस है। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। जरा क्रेडिट कार्ड दिखाइए। क्यों? दिखा दो ना, इतने भले लोग तो हैं। दिखाओ दिखाओ। जस्ट एज आई थॉट, डिस्ट्रॉय करना होगा। जस्ट साइन हियर प्लीज। वैसे आपके सिग्नेचर काफी डैशिंग है सर। ठीक, आपकी तरह। थैंक यू। हमारा काम हो गया। क्या मतलब आपका काम हो गया?